बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने पटना सिटी का दौरा कर मरसला में स्थित मछुआ टोली इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने मृत पारस सहनी के पीड़ित परिवार से मिले और पूरे परिवार को दुखद घटना पर संतावना दिया। वहीं मंत्री ने रोते बिलखते परिवार के लोगों को इंसाफ दिलाने का ढांढस बांधा। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि यह एक दुखद घटना है, सरकार को इसमें गंभीरता दिखानी पड़ेगी। पारस सहनी की हत्या मामले में मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे और हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करेंगे और साथ ही पीड़ित परिवारों के सदस्यों को अपने ओर से सहयोग राशि देकर उनकी सहायता करने का वचन दिया। गौरतलब है कि बीते 25 अगस्त को मरसलामी थाना क्षेत्र के मुसहरी इलाके में मछली व्यवसायी 50 वर्षीय पारस सहनी को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं हत्या से नाराज परिजनों ने सड़क पर आगजनी कर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे थे, जिसके बाद पटना सिटी DSP और कई थानों की पुलिस टीम पहुंचकर और आक्रोशित परिजनों व स्थानीय लोगों को शांत कराया था और प्रदर्शन बंद कराया था। साथ ही हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी किए जाने का भरोसा दिया था। 10 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। वहीं मरसलामी थाना की पुलिस ने मंत्री को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे डालेगी। कारोबारी के परिवार वालों ने जब मंत्री मुकेश सहनी से कहा कि घर में बेटी की शादी भी होनी है, तो मंत्री मुकेश सहनी ने परिवार वालों से कहा कि आप चिंता ना कीजिए, हम जहां तक होगा वहां तक मदद करेंगे। इस मौके पर पूर्व पार्षद प्रतिनिधि मनोज मेहता, सुनील निषाद, सज्जन कुमार ठाकुर समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। निश्चित तौर पर दुखद है और घटना इस तरीके से हो रहा है। पदाधिकारी को, प्रशासन को इस पे चौकन्ना रहने की आवश्यकता है और सरकार को भी गंभीर होने की आवश्यकता है। हम लोग इसलिए तो सब जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं और घटना नहीं होना चाहिए और अभी तक इस पे कार्रवाई भी नहीं हो पा रहा है। ये दुखद है, लेकिन पदाधिकारी तो अपने स्तर से तो जांच कर रहे हैं, लेकिन इसको ऊंचे स्तर पे हम लोग देखते हैं, बात करेंगे SP साहब से और मुझे लगता है कि जो दोषी होगा उसको सज़ा मिले। बाकी परिवार के लोगों से मिलने के लिए आए हैं, उनके साथ हम लोग छोटी छोटी बच्ची हैं, उनके सहायता के लिए क्या सरकार के स्तर पे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम अपने स्तर पे, पर्सनल स्तर पे मदद करेंगे लोगों को। ठीक है।